बड़ी खबर सीएए को लेकर, जहां पर पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है और इसे को लेकर कहा है कि सीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। तो सीए पर युवाओं को भ्रमित किया गया है। भारत में आस्था रखने वाला नागरिकता ले सकता है और पाकिस्तान में जिन पर अत्याचार हुआ उनके लिए सीएए है। तो आपको बता दें कि कोलकाता के दो दिन के दौरे पर है, दूसरा दिन है और बैलून मठ जब पहुंचे, युवाओं को जब संबोधित किया तो उस दौरान ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की गई हैं और सीए को लेकर जानकारी दी गई। युवाओं को बताया गया कि आखिरकार सीएए है क्या। तो वहीं उन्होंने कहा कि धार्मिक जुल्म के शिकार लोगों के लिए सीएए है। हमने महापुरुषों की इच्छा को पूरा किया है और हमने गांधी जी के सपने को भी पूरा किया है। तो नेहरू जी और गांधी जी भी यही चाहते थे, कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बेलूर मठ में युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सीएए को लेकर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कई दिनों से देखने को मिल रहा है उसमें कोशिश हुई कि आखिरकार सीएए है क्या, इसको लेकर जानकारी दी जाए। और ऐसे में जब युवाओं को संबोधित करने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला तो ऐसे में उन्होंने बताया कि आखिरकार सीए है क्या, ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। तो युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है सीए पर और उन्होंने इसके साथ ये कहा कि ना भारत में आस्था रखने वाला नागरिकता ले सकता है।